वेलकम बैक टू द प्रयास ई पाठशाला। मेरा नाम करुणा है। आज का न्यूज क्या है, स्टेट रिलेटेड न्यूज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। गोवा गवर्नमेंट ने, गोवा के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, इनिशिएट किया है। उसको नाम दिया है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। ये एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, की है गोवा गवर्नमेंट ने। और इस प्रोग्राम में जो साथ देने कोलैबोरेट जो किया है वो है प्रसाद नेत्रालय और वन साइट एजिलर लॉक्सोटिका फाउंडेशन। इन दोनों की मदद से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और इन दोनों के मदद से जो चीजें एक सेटअप की गई हैं कि इसको अचीव करना है, जो एक गोल एक सेट किया गया है कि अचीव करना है इस प्रोग्राम के द्वारा, तो इनके जरिए वो सब चीजें अचीव की जाएगी। ये हमारे गोवा गवर्नमेंट, जो हमारे गोवा के सीएम है, उनके द्वारा ये चीजें बताई गई हैं। ये जो विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम, अभी तो मैंने आपको बताया कि विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ ये जो प्रोग्राम लाया गया है, इसके पहले 2021 में विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। उसमें 50,000 जो गोवा के रेसिडेंट थे, उसमें मंथली जो कैंप होता है उसमें 50,000 रेसिडेंट को वो सर्विस प्रोवाइड की गई थी, उनका चेकअप करवाया गया था। और 16,000 लोगों को, जो उस स्टेट के लोग है 16,000, उनको फ्री आई ग्लासेस दी गई थी। तो ये गोवा गवर्नमेंट का ये पहले से ही इनिशिएटिव आ गया है। जो पर्सन के जो चीजों, जो ऑर्गन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, जो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर के लिए, उस पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट जो गवर्नमेंट है गोवा की, वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और ये देखने को ही मिल रहा है कि लोग योजना लेके आते हैं, स्कीम लेके आ रहे हैं, इनको पैसे देना, उनको पैसे देना, बट एक ऐसा स्कीम आता है कि इसमें इतना, जो औरतों के लिए स्कीम आता है इसमें इनको इतना मिलेगा मंथली, लेकिन यहाँ पे जो गोवा स्टेट है उसने बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस किया है कि एक्चुअल में इस चीजों के ऊपर काम करना चाहिए कि जो फ्यूचर में चल के उनका हेल्थ अच्छे से बना रहे, उनको जो अपॉर्चुनिटीज है वो उनको मिल सके। तो 2021 में ही गोवा ने विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और उसके चलते उसने इतने सारे 50,000 रेसिडेंट्स को इस चीज का फायदा बेनिफिट मिला था। बट अब गोवा ने विजन फॉर ऑल स्कूल से भी रिलेटेड, स्कूल में भी जाके जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको, उनके लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा कर दी, मायने रख दी हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कितना ज्यादा जरूरी होता है आंखों का, आंखों में क्या प्रॉब्लम है उसका इलाज करना, उसका निवारण करना और उसको रोकना। ये जो हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत है, उनके द्वारा ये चीज बताई गई है कि हमारा मेन मोटिव है उस चीजों के ऊपर ध्यान देना। तो इसीलिए ये जो इनका उद्देश्य है इस प्रोग्राम के तहत, तो इसको पूरा करने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। उसके अलावा ये जो प्रोग्राम की शुरुआत की गई है स्कूल में, स्कूल से ले रहे जो छात्र हैं उनसे, उनके हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए, तो उसमें अब इनका प्राइमरी गोल ये है कि ये इस प्रोग्राम के तहत 2,000 टीचर्स को ट्रेन करें, जिससे वो अपने स्टूडेंट्स को बता सके, उनके जो आंखों के प्रॉब्लम्स है वो सब चीजें देख सके और उसका निवारण कर सके। वो जो विजुअल एक्विटी टेस्ट होता है उसको कंडक्ट कराएं और उसके द्वारा पता चले कि किस बच्चों में कितना प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। फिर ये टेस्ट होने के बाद ये जो प्रसाद नेत्रालय है उसका पूरा देखेगी कि इसमें अभी क्या, इसका क्या चीज है, इसका किस तरीके से रोक कर सकते हैं हम, इसका निवारण किस तरीके से कर सकते हैं। तो इनका स्टेप बाय स्टेप ऐसा है कि पहले जो टीचर्स हैं वो इस चीज को देखेंगी कि उनका एक विजुअल एक्विटी टेस्ट होता है बच्चों का, तो उसको कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो कोलैबोरेशन किया है प्रसाद नेत्रालय ने, वो इसको फॉलोअप करेगा, जिस हिसाब से बच्चों का जो आंखों से रिलेटेड जो भी इश्यू रहेगा वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और ये गोवा गवर्नमेंट का यही है कि इसको जो अभी आने वाला एकेडमिक ईयर है उसके पहले ही जितने बच्चों का भी ये आंखों से रिलेटेड जो भी इशू रहेगा उसको किस तरीके से रोका जाए, उसको भेज कर उसका निवारण किया जाए, ये सब चीजें इस प्रोग्राम के तहत की गई है। इसका प्राइमरी गोल यही है कि इसका निवारण जल्द से जल्द हो सके, जिससे जो भी बच्चे हैं उनका जो अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है,
वो उनके उनका जो राइट है उनको मिल सके, कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ना हो, इसलिए पहले ही ये सब चीजों के लिए देखा गया है। इसीलिए गोवा गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, लाया है। ये तो हो गया, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। स्टेट में ये सब चीजों को भी लेके, हमारे जो स्टेट के रेसिडेंट हैं उनको लेके ये सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है कि उनको पैसे ना देके उनके ऑर्गन, जो उनका मेन चीज है, जो आंख कान नाक, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर को अपना गोल सेट करने के लिए, तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके ऊपर हमारा जो स्टेट, जो गोवा स्टेट है, उसने बहुत ज्यादा फोकस किया है, और आगे चल के आई होप सो ये जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो। और इसके अलावा जो हमारा आप अगर वन लाइनर फॉर्म में अगर करंट अफेयर आपको चाहिए, जैसा जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो करंट अफेयर यहाँ पे और नोटिफिकेशन है हमारी, तो वो भी आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है DPS इंडिया बैंक SSC RRB, तो वहां पे आप विजिट करेंगे तो वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन और करंट अफेयर रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब वहां पे मिलेंगी। इसके अलावा भी आप हमारा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है डेली बेस पे, वहां पे अपडेट किया जाता है, तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास पाठशाला। थैंक यू।